तो आज हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षण है समांतर माध्य हमारा। ये दसवीं क्लास के अंदर बोर्ड की परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, प्रश्न है समांतर माध्य ज्ञात करना। प्रश्न कहता है यदि एक कक्षा में गणित विषय के प्राप्तांक क्रमशः 40, 52, 48, 45, 55, 70, 30 और 60 है तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, समांतर माध्य दो तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर संख्याएं दी हुई होती है तो समांतर माध्य सरल तरीके से हो सकता है, और किसी भी समांतर माध्य के अंदर अगर ज्ञात करना है पर्सन के अंदर वर्ग दिया हुआ है तब उसे अलग तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम संख्या और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है समांतर माध्य इक्वल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। कुल संख्या अर्थात हमें जो भी संख्या दी है इसको काउंट करना है, जोड़ना है। संख्या दी हुई है हमारी 40, 52, 48, 55, 70, 30 और 60 ये हमें संख्या दी गई है। सूत्र कहता है समांतर माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो समांतर माध्य इक्वल संख्या का योग अर्थात 40, 52, 48, 45, 70, 30 और 60 ये दी हुई है संख्याओं का योग करना है। आप संख्याओं का योग अपॉन दी हुई कुल संख्या अर्थात संख्या कितनी है काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये संख्या दी गई है 8। तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का योग करते हुए 8 का भाग देना है। तो ये संख्या जोड़ोगे जो आ रहा है 90, 90 और 70, 160, 160 और 100, 260, 260 और दोनों 100 हो गए, 360 और 40 आ रहे हैं। तो हमने योग किया तो 400 अकाउंट के अंदर निवेश संख्या 8। अब 8 का हमें डिवाइड करना है, ये 8 का भाग लगा रहा है इसके अंदर 5 और संख्या कट रही है तो हो गया है 8 बजे 40 अर्थात 50। तो समांतर माध्य आएगा, समांतर माध्य इक्वल 50। तो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है समांतर माध्य। तो पहले हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था उसमें बारंबारता नहीं दी हुई थी, इसके अंदर बारंबारता दी हुई है f दिया हुआ है। तो जिसमें f दिया हुआ होता है तो उस समय समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो उसमें सूत्र चेंज होगा थोड़ा। तो यहां देखिए जब हमारी बारंबारता दी हुई हो और समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा ये समांतर माध्य इक्वल सिग्मा एफ वन एक्स वन अपॉन सिग्मा एफ वन। हमें समांतर माध्य को एक्स भी कह सकते हैं एक्स। अब हमें ज्ञात करने से पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी है एक्स और ये एफ
संख्या दी हुई है x के अंदर एक दो तीन चार पांच और छह, बारह बार तो दी हुई है दो पांच छह चार दो और दो। अब हमें ज्ञात करना है एफ एक्स, एफ एक्स ज्ञात करने के लिए हमें एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले दो को एक से दो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां दो एक हम दो, नेक्स्ट दो को पांच से मल्टीप्लाई किया दस, फिर तीन को छह से मल्टीप्लाई किया अठारह, फिर चार को चार से मल्टीप्लाई किया सोलह, फिर पांच को दो से मल्टीप्लाई किया दस, और फिर छह को दो से मल्टीप्लाई किया बारह। इस तरह से हमें एफ एक्स ज्ञात करने के लिए एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एफ एक्स के योग करना है और एफ का योग करना है। तो सबसे पहले एफ का योग करेंगे दो पांच सात, सात और छह तेरह, तेरह और चार सत्रह, सत्रह और चार इक्कीस, तो हमारा एफ आ रहा है सिग्मा एफ इक्वल इक्कीस आ रहा है। एफ एक्स का भी योग करना है दो और दस बारह, बारह और अठारह तीस, तीस और सोलह छियालीस, छियालीस दस छप्पन, छप्पन और बारह अड़सठ, तो हमारे यहां रहा है 68। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 68। अब सूत्र यूज करना है सिग्मा एफ वन और एक्स वन, तो सिग्मा एफ वन और एक्स वन आया हमें 68 अड़सठ, तो यहां लगना है 68, एफ वन आया है 21, तो हमें एफ सिग्मा एफ वन एक्स वन में सिग्मा एफ वन का भाग देना है। तो भाग मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 21 का भाग देना पड़ेगा, 21 63, आप पीछे बचे हैं 5, ये हो गए हैं 50, या मल्टीप्लाई करेंगे 50 में डिवाइड करना है तो 21 का भाग देना 21 बराबर 42, दो बार जाता है, फिर पीछे 8 बच रहा है 80 हो रहा है, फिर भाग देना है तीन बार जाता है 63, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3.23। इस तरह से ज्ञात होगा समांतर माध्य जब बारंबारता दी हुई हो। तो इसी की तरह मैथ की क्लासेज है जो हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर अपलोड की जाएगी, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।